नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही स्पेशल खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। अभी मैं आप लोगों को जो पौधा दिखा रहा हूं, यह अरंडी का पौधा है और ये अरंडी का पौधा पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, देखने को आसानी से मिल जाएगा। बहुत से लोग इसे जानते होंगे, पहचानते होंगे, अपने क्षेत्र में भी देखे होंगे, लेकिन इतनी ज़बरदस्त औषधि को कोई उपयोग नहीं करता, क्योंकि इसके बारे में कोई लोग शायद जानते ही नहीं हैं और बहुत कम लोग जानते हैं जो इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो आज वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। आज मैं आप लोग को इस महान अरंडी के पौधे का जो फल है, इसका जितना भी औषधीय गुण है, इसके फल से लेकर पत्ती तक हर एक औषधीय गुणों को आप लोग को अच्छे से समझाने की, उसके उपयोग करने की विधि बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि इसका जो फ़ायदा है वह हर एक को मिल सके और हर कोई इसे प्रयोग कर सके आसानी से और बहुत सारे अपने इधर उधर की दवाओं खरीदने में जो खर्चा लगता है उसे बचा सके। क्योंकि यह सिर्फ एक अरंडी का पौधा आपके बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपये बचा सकता है, इतना ज़बरदस्त गुणधर्म इसमें भरा हुआ है। तो देखते रहिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की हर एक वनस्पति की अगर जानकारी देखना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की हमेशा जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अरंडी के पौधे को अच्छे से देख करके पहचान लीजिए, जो लोग नहीं पहचानते हैं तो ध्यान से सुनते रहिए। इस अरंडी के जो आप फल देख रहे हो, इसके अंदर में जो गिरी होता है जिसे बीज कहा जाता है, यह बीज जो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की औषधि है, क्योंकि इसकी बीजों को तोड़ करके निकाल के सुखा करके अच्छे से तेल निकाला जाता है इसके बीजों से, और इसके बीजों का तेल जो है आपको दवाई के दुकान में भी मिल जाता है कस्टर्ड ऑयल के नाम से, इसे इंग्लिश में कस्टर्ड ऑयल बोला जाता है। आप इसे दवाई दुकान से भी इसका अरंडी का तेल बोलकर या फिर कस्टर्ड ऑयल बोल करके खरीद सकते हो। तो अरंडी के तेल से क्या क्या फायदे होते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आपके पास अरंडी का तेल रहेगा तो आपके एड़ियों में यदि दरार पड़ गया है, बहुत से लोगों का देखा गया है कि उनकी एड़ियों में ठंड के मौसम में या फिर कहीं भी कभी भी मौसम उनकी एड़ियों में दरार पड़ जाता है, एड़ियां फट जाती है और उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार तो उन फटी एड़ियों से खून बहने लगता है और भयंकर दर्द भी होता है। तो इस तरह से अगर फटी एड़ियां किसी का भी हो तो अरंडी का तेल रात को सोते समय लगाइए और सो जाइए। एक सप्ताह के इस्तेमाल से आपकी फटी एड़ियां भरने लगेगी और आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ कोमल लगने लगेगा, आपकी एड़ियां स्वच्छ साफ और सुंदर हो जाएगी। इसका दूसरा प्रयोग है दोस्तों, बाल झड़ने की समस्या को रोकने वाला प्रयोग, बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। जिसका बाल झड़ रहा है या फिर काला नहीं है या फिर कहीं कहीं पर बाल बहुत कम है, ज़्यादा घना नहीं है, तो वहाँ पे फिर से घना बाल उगाने के लिए आप इस अरंडी के तेल को अपने हाथों की मदद से बालों के जड़ तक अच्छे से लगा लगा करके रगड़ें और लगाने के बाद धोना नहीं है, इसको ऐसे ही लगा रहने दें, यानी स्नान करके आप लगा सकते हो। और प्रतिदिन इस तरह से लगाने पर कुछ ही हफ्तों में आपके बाल पुनः काले, पुनः लंबे, घने और मजबूत होने लग जाएंगे। यह अरंडी का तेल इतना ज़बरदस्त असर दिखाता है। अब मैं आप लोगों को इसके पत्ते के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको तेल के फायदे बताऊंगा। अगर किसी महिला के स्तन से दूध नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उसका बच्चा जो है कुपोषित होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो आप घबराएं नहीं, इस अरंडी के पत्ते को ला करके उसे कूट पीस करके पेस्ट बना लें और पेस्ट बना करके दोनों स्तनों में लेप कर दें। इस तरह से लेप करने पर 24 घंटा के अंदर में उसके स्तन से दूध आना शुरू हो जाता है। अगर एक प्रयोग से असर ना हो तो 2-3 दिन लगातार करते रहें, दूध निश्चित रूप से आएगा। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तो उनको भी इनके पत्तों को अपने कमर में लेप करना चाहिए, कमर में और पेट में, नाभि के पास। ऐसा करने से मासिक धर्म का जो पीड़ा रहता है वह नहीं होता है और रात को सोते समय एरंड के तेल 1 चम्मच पीने से भी मासिक धर्म का पीड़ा नहीं होता है। अब मैं आप लोग को कील, मुहासे, पिंपल, झाइयाँ, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, जो छोटे छोटे तिल रहते हैं, उनको भी यदि आप सफाया करना चाहते हो या फिर जले कटे का निशान जो पड़ जाया रहता है उसे आप हटाना चाहते हो, तो सभी प्रकार के जो कील, मुहासे, दाग धब्बे हैं उन्हें हटाने के लिए आप एरंड का जो तेल, अरंडी का तेल खरीद करके लाए रहोगे या फिर खुद बनाए रहोगे, उस तेल में आप थोड़ी सी आटा मिला के उसको पेस्ट बना लेना और उस पेस्ट को जहाँ कील, मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, जहाँ तिल है काला काला या फिर घाव का किसी भी प्रकार का निशान हो, उसको मिटाना चाहते हो तो वहाँ पे लेप कर दीजिए। और इसी तरह का लेप आप हर दिन करते रहिए। लगभग 15 महीना दिन के लगातार इस्तेमाल से पुराना दाग धब्बा भी मिट जाता है, कील, मुहासे 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं और जो तिल रहता है वह तिल भी 15-20 दिन के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है।
तो आप इस तरह से अरंडी के तेल में बेसन मिला करके लेप कर सकते हो। और दोस्तों, कई लोगों के शरीर में देखा गया है कि मस्से आ जाते हैं, जो मांस का टुकड़ा होता है वो अलग से निकल के लटकता रहता है। इस तरह से यदि आपके शरीर में या फिर किसी के शरीर में भी मस्से हो, तो उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए और पूरी तरह से साफ़ करने के लिए आप अरंडी के तेल को प्रतिदिन उसमें लगाते रहिए और सूती कपड़ा को अरंडी के तेल में भिगो करके उस मस्से में बांध दीजिए। इस तरह से लगातार बांधते रहने पर कुछ ही हफ्तों में वह मस्सा भी सूख करके झड़ जाता है। अब मैं आप लोगों को अरंडी का तेल का एक ऐसा ज़बरदस्त फायदा बता रहा हूँ, जिसे करने पर आपके बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आप रात को सोते समय एक गिलास दूध में अरंडी का 1 से 2 चम्मच तेल घोल करके उसको पी जाइए और इसी प्रयोग को लगातार करते रहिए लगभग 1-2 महीना तक। अगर मामला ज़्यादा गंभीर है तो आपका पेट पूरी तरह से साफ़ होगा, अच्छे से साफ होगा और आपके पेट में गैस की समस्या जो रहती है वह खत्म हो जाएगी, पेट फूलने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, आपके पेट में कृमि रोग है तो वह भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके पेट में छाले हैं यानी पेट में घाव है, अल्सर है, तो वह भी ठीक हो जाएगी। कहा जाए पेट के समस्त रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं इस अरंडी के 2 चम्मच तेल दूध में मिलाकर प्रतिदिन पीने से। अगर इस तरह से प्रतिदिन पीते रहोगे तो आपके जो जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया है, साइटिका, जो भी है जोड़ों का दर्द, वह भी 1-2 महीना इस्तेमाल करते रहने से ठीक हो जाता है। यह अरंडी का तेल इतना ज़बरदस्त असरदार औषधि है कि इसकी तुलना आप पैसों से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो भी प्रयोग किया है वह आज तक निराश नहीं हुआ है और हमेशा इसको दिल से अपनाया है, अरंडी के तेल को। तो आप भी आज के बाद इस अरंडी के तेल को अपना दैनिक जीवन में उपयोग करें और शामिल करें, इससे बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। एक प्रयोग करते रहना है आपको, रात को 2 चम्मच अरंडी का तेल दूध में घोल करके पीते रहना है और आपको रोग मुक्त कर देगा या पूरी तरह से कुछ ही हफ्तों में। जो खाट में पड़ा रहता है, चल फिर नहीं पाता, वह भी दौड़ने लगता है इसको पीने के बाद तुरंत, मतलब रात को पिला दोगे तो सुबह वह अपने आप को फ्रेश ताजगी महसूस करेगा, क्योंकि उसका पेट साफ हो जाएगा, गैस साफ हो जाएगा, आंतों की छाले ठीक हो जाएगी, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी इसका अरंडी का तेल का सेवन करता है, इसको एक ही खुराक लेने के बाद वह दौड़ने लग जाएगा। अगर सामान्य नॉर्मल है उसका तकलीफ तो देख लीजिए दोस्तों, इसके गुणधर्म को आप थोड़ी बहुत जान गए, पहचान गए। किसी और वीडियो में मैं आप लोग को इसकी और अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगा, अलग अलग प्रयोग बताऊँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।